जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं वचन, है ना। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं वचन। तो वचन का मतलब क्या होता है, देखिए पहले हमने पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा मतलब होता है कोई भी नाम, इस दुनिया में किसी का भी जो नाम है तो वो संज्ञा है। तो उसी संज्ञा को बताने के लिए कि कितना है वो, है ना, संज्ञा का संख्या कितना है, ये सब बताने, इसको बताना वचन कहलाता है। जैसे संज्ञा शब्दों का एक से अधिक बताना वचन कहलाता है। जैसे लड़का है ना, या लड़का, तो एक से संज्ञा है लड़का, तो कितने कितना लड़का, एक लड़का, दो लड़का या तीन लड़का, इसी चीज़ को बताना हमारा वचन कहलाता है। और वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर इसी यदि संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में तीन वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो जैसे उत्तर लिखते समय आप इसमें मिक्स नहीं करेंगे दोनों भाषाओं के वचन को, ठीक है। तो हिंदी में वचन कितना होता है, हिंदी में वचन होता है दो, एक वचन और बहुवचन। लड़का कहने का मतलब हो रहा है यहाँ पे कोई एक लड़का है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक लड़का है। और लड़के कहने का मतलब है कि यहाँ एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक लड़के हैं, ये होता है हमारा बहुवचन, ये होता है एक वचन, ठीक है। लड़का, लड़के, उसी प्रकार रात, एक रात, दो रात, तीन रात, ये फिर इसमें आ जाएगा। किताब, एक एक अगर किताब बोलते हैं तो मात्र एक किताब का हमको ज्ञान होता है, लेकिन यदि किताबें बोल दिया तो बहुत सारे ऐसे किताबें जो रखी हुई हैं, ये इसको बोलते हैं किताबें, ठीक है। तो ये होता है एक वचन और बहुवचन। अब इसमें आप क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, देखिए जब कोई हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कोई ना कोई एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो इसमें कैसा क्वेश्चन आता है वो पहले समझ लीजिए। तो क्वेश्चन इसमें आपको एक वचन या बहुवचन से ही पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन एक कुछ चीज़ दे दिया, जैसे लड़का दे दिया गया, लड़का, अब उसको इसमें पूछेगा कि इसका बहुवचन क्या है, ठीक है, इसका उसको पूछे जाएगा बहुवचन क्या है। तो इसके बहुवचन क्या क्या बनते हैं, तो इसके बहुवचन बनते हैं लड़के और लड़कों, ठीक है। यदि क्वेश्चन में ये दोनों आ गया तो आपको दोनों पे टिक करना है। यदि ऐसा एक लाइन में लिखा मिले तो कि लड़का का बहुवचन क्या होता है, तो लड़के और लड़कों। चलिए मैं यहाँ पे एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, आप देखिएगा, लड़के ने भोजन किया, लड़के ने भोजन किया, ठीक है, लड़कों को बुलाओ, ठीक है। अभी मैं आपको बताया हूँ कि लड़के और लड़कों ये दोनों बहुवचन हैं, ठीक है, लड़के और लड़कों दोनों बहुवचन हैं। लेकिन यदि इसी को हम इसमें अगर उपयोग करते हैं, ठीक है, यदि हम इसको कारक चिन्ह के साथ उपयोग करते हैं, कारक चिन्ह क्या होता है, इसको मैं पहले बताया हूँ, पहले इसको वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो कारक चिन्ह के साथ हमने इसको उपयोग किया और ये बिना कारक चिन्ह के साथ हैं, तो इसको पढ़िए, लड़के ने भोजन किया। इस लाइन को पढ़ने से हमको ये पता चलता है कि केवल एक लड़के ने भोजन किया, है ना, जबकि मैं यहाँ बताया हूँ कि लड़के का मतलब एक से अधिक होता है, वो बहुवचन में। लेकिन क्या आपको यहाँ पढ़ने से पता चल रहा है कि लड़के ने भोजन किया इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे एक वचन है। यदि क्वेश्चन में ऐसा आता है तो आपको ध्यान देना है कि लड़के भले ही अगर सिंगल लिखेंगे तो वो बहुवचन है, लेकिन इस प्रकार यदि वाक्य में दे दिया जाए, है ना, उसके कारक चिन्ह के साथ, तब वो एक वचन कहलाएगा। अब उसके बाद यहाँ देखिए, लड़कों को बुलाओ, ठीक है, लड़कों को बुलाओ, तो यहाँ लड़कों को बुलाओ मतलब एक से अधिक लड़कों की बात हो रही है, तो यहाँ पे बहुवचन होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, और ये कैसे पहचानेंगे इसका हम ट्रिक नीचे बताने वाले हैं, जो भी इसका नियम होगा, ठीक है। एक होता है रात का, हम लिखते हैं रातें, है ना, रात का बहुवचन हम लिख लिए रातें, है ना। उसी प्रकार लड़का का लिखते, इसमें बिंदी रहेगा, है ना, और लड़का का लिखते हैं लड़के। देखिए अब भी आपको यहाँ अंतर दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे मात्रा लगा दिया, यहाँ मात्रा नहीं लगाया, इसका भी एक परफेक्ट रूल होता है समझने का, ठीक है, वो हम नीचे दिखने वाला है। इस प्रकार इस ऐसी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, इसको पहचानने का तरीका क्या है, या एक वचन से बहुवचन बनाने का तरीका क्या है। देखिए
अब एक वचन से बहुवचन बनाने का पहला आपका नियम है निर्विभक्ति रूप। निर्विभक्ति रूप, निर्विभक्ति मतलब कारक चिन्ह नहीं लगता, किसी संज्ञा का साथ कारक चिन्ह नहीं लगता। वो संज्ञा का मूल होता है, जैसे लड़का का लड़के, ठीक है, लड़का का लड़के, ये होता है हमारा निर्विभक्ति रूप कारक चिन्ह। इसमें कारक चिन्ह नहीं होता उसको बोलेंगे निर्विभक्ति रूप, और जिसमें कारक चिन्ह लगा होगा उसको बोलेंगे सविभक्ति रूप। ठीक है, जिसमें कारक चिन्ह लगा होगा वो कहलाएगा सविभक्ति रूप। ठीक है, उसके बाद है जैसे जनता का घर में भालू को, ठीक है, ये हमारा सविभक्ति रूप है, ये हमारा सविभक्ति रूप होगा। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है। पहला हमारा रूल है निर्विभक्ति रूप कैसे पहचानेंगे, अकारांत संज्ञाओं में, अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में अ के स्थान पर ए लका मात्रा उपयोग किया जाता है। अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में अ के स्थान पर ए का स्थान ए की मात्रा लगाकर हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो पहले तो अब ये समझ लीजिए कि अकारांत क्या होता है। ठीक है, वैसे मैंने इसको वर्तनी की क्लास में बताया है, आप यदि आपको डिटेल में देखना है तो वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे कोई भी जैसे मैं नया से लिख रहा हूँ तो मुझे ये पहचानना है कि लास्ट इसका वर्ण क्या चीज़ है। बहुत लोग बोलेंगे राम, तो राम इसका लास्ट का वर्ण नहीं है। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा, ये म हो जाएगा और ये हो जाएगा अ, ठीक है, अ हो जाएगा। तो हमारा लास्ट का वर्ण क्या हुआ, अ हुआ, और हमारे पूछ क्या रहा है, अकारांत। तो यदि हम यहाँ पे रामा लिख देते हैं तो ये हमारा बढ़ जाएगा आ। तो इसी प्रकार जिसमें लास्ट में आ होगा, अब पहचानेंगे कैसे, जिसमें जिसमें लास्ट में बड़े आ की मात्रा होगा वो सभी आकारांत कहलाएगा। उसी प्रकार यदि ई हो जाता है लास्ट में तो उसको बोल लेंगे ईकारांत, ई हो जाएगा तो ईकारांत, ऊ हो जाएगा ऊकारांत, ऊ हो जाएगा तो ऊकारांत। इस प्रकार कारांत होता है, ये आप वर्तनी की क्लास में जाकर देख सकते हैं। हमारा नियम क्या है, अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में अ के स्थान पर ए लगाया जाता है। तो चलिए हम घोड़ा का पहले बना के देखते हैं, घोड़ा। अब घोड़ा लिखते हैं ऐसे, ये हो जाएगा आपका घोड़ा, घोड़ा। अब घोड़ा के लास्ट वाले को हम चेंज करते हैं, तो ये हो गया ड़ा और ये आ की मात्रा। अब बोला क्या जा रहा है, अ के स्थान पर ए रखना है, तो इस अ को हटा दीजिए, ए रख लेते हैं। ठीक है, इस अ को स्थाते हैं और ए रखते हैं। अब इसको जोड़ के लिखते हैं, इस ए की मात्रा हम इस ड़ा में डालेंगे, तो ये हो जाएगा घोड़े। ठीक है, ये हो जाएगा घोड़े, इस अ को हटा के हमने ए लिख दिया, तो ये हो जाएगा घोड़े। और इस ए को हम मात्रा के रूप में लिखेंगे, आपको पता है ना, जब कोई भी स्वर एक सिंगल आती है, जब ये कोई भी स्वर यदि किसी वर्ण किसी व्यंजन के साथ सिंगल आता है तो हम उसे उसके मात्रा के आधार पर या फिर मात्रा के रूप में लिखते हैं। ये हम मैंने वर्णमाला में बता के रखा है, आप वर्णमाला का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया घोड़ा। उसी प्रकार गधा का हो जाएगा गधे, ठीक है, गधा का हो जाएगा गधे, लड़का का हो जाएगा लड़के, ये हो गया आपके घोड़े। ठीक है, ये घोड़े हो जाएगा, ये हो जाएगा गधे, ये हो जाएगा लड़के, ये हो जाएगा पहिए, ठीक है, ये हो जाएगा कपड़े, ठीक है, ये हो जाएगा छाते, रास्ते, इस प्रकार बच्चे, बच्चा का बच्चे, तारा का तारे, ये तारे, आईना का आईने, भैंसा का भैंसे, ये इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। रूल याद रखिएगा, अकारांत जिसके लास्ट में बड़े आ की मात्रा हो और वो पुल्लिंग हो, तो हाँ इससे आपको ये भी पता चलता है कि ये पुल्लिंग है ना, जिसे मैंने यहाँ लिखा है कि अकारांत पुल्लिंग। तो इससे इस बात से ये पता चलता है कि घोड़ा, गधा, लड़का, पहिया, कपड़ा, छाता, रास्ता, बच्चा, तारा, कमरा, आईना, भैंसा, बकरा, बछड़ा, ये सब पुल्लिंग है। ठीक है, आपके एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं, आपको यहाँ पर लिंग भी याद हो जाएगा। ठीक है, मैं जैसे लिख रहा हूँ कि आकारांत पुल्लिंग, तो ये सब लिंग भी है, घोड़ा, गधा, लड़का, पहिया, कपड़ा, ठीक है, ये सब लिंग भी है। उसके प्रकार छाता, छाते, ये सब लिंग है, पुल्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसका रूल क्या है, नेक्स्ट इसका रूल है कि अकारांत, अकारांत मतलब जिसके लास्ट में छोटे आ की मात्रा हो, है ना, जिसके लास्ट में छोटे आ की मात्रा हो। तो अकारांत, इकारांत, उकारांत, पुल्लिंग, अकारांत, इकारांत, इसमें आप इस ई को भी शामिल कर लीजिएगा और इसे बड़ा ऊ को भी शामिल कर लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, अकारांत छोटा ई वाला, बड़ा ई वाला, छोटा ऊ और बड़ा ऊ वाले के अंत में एक वचन बहुवचन एक जैसा होता है।
ठीक है। यदि कोई ऐसा मिलता है अकारांत, इकारांत, उकारांत के अंत में यदि एक वचन, तो ये सभी एक वचन ही होते हैं। जैसे दिन का दिन होगा, फूल का फूल ही होगा, हाथ का हाथ ही होगा, शिक्षक का शिक्षक होगा, हाथी का हाथी होगा, भाई का भाई होगा, गुरु का गुरु होगा, साधु का साधु होगा और भालू का भालू होगा। लेकिन बहुत लोग, आपको डाउट होगा कि हम दिन का दिनों भी पढ़े हैं, है ना, हम दिन का दिनों भी पढ़े हैं, गुरु का गुरुओं पढ़े हैं, भाई का भाइयों लिखे हैं, हाथी का हाथियों पढ़े हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हम यहाँ निर्विभक्ति रूप में इसको बांट कर अलग अलग एक वचन बहुवचन बता रहे हैं। इसलिए जैसे मैंने एक वाक्य लिख देता हूँ यहाँ पे, फूल खिले हैं, ठीक है, ये एक वचन हो गया, ठीक है, ये एक वचन हो गया। अब आप इसको बहुवचन करके बताओ। यदि यदि आप बोलते हो कि फूल का फूलों होता है, तो इसको लिख के देखते हैं, जैसे फूलों खिले हैं, ऐसा होगा, फूलों खिले हैं, ऐसा हो सकता है क्या? बहुवचन बनाओगे तो फूल खिले हैं एक वचन है, यदि आप इसका बहुवचन बनाओगे तो फूलों खिले हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फूल का बहुवचन फूल ही होता है, फूलों भी होगा, लेकिन जब उसको हम बताएंगे ना सविभक्ति रूप में, तब उसको बताएंगे कि फूल का फूलों कैसे होगा। तो यहाँ पर यदि हमको बहुवचन बनाना है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, फूल फूल खिल रहे थे, ठीक है, फूल खिले हैं और फूल खिल रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा इसका बहुवचन। चलिए अगला देखते हैं, इसमें अकारांत, 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 अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा, जब भी देखिए अब स्त्रीलिंग आ गया है ना, संज्ञाओं में अ आ अ एवं आ के स्थान पर ए लगाएं और बहुवचन बनाइए, ठीक है। अकारांत, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अ एवं ए के स्थान पर ए लगाते हैं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है कि अ और आ, तो अ की मात्रा यहाँ पे है, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, यहाँ भी, यहाँ पे दी, यहाँ बड़े आ है, यहाँ बड़े है, यहाँ पे बड़े आ है, यहाँ पे बड़े आ है, तो जहाँ जहाँ लास्ट में अ या फिर बड़े आ की मात्रा मिलती है स्त्रीलिंग में, है ना, स्त्रीलिंग संज्ञाओं में, तो इससे पता चलता है कि रात, पुस्तक, आदत, सड़क, बोतल, बात, खबर, अदालत, लता, माता, शाखा, सभा या कक्षा, कामना, अध्यापिका, ये सब पुल्लिंग, ये सब स्त्रीलिंग है। एक बात तो आपको यहाँ से याद हो गया, ठीक है, एक तीर से दो निशाना, रात, पुस्तक, आदत, सड़क, बोतल, बात, खबर, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब बोलते हैं कि इसके अ आ को हटा कर, है ना, अ आ को हटा के लिखना है कि बिना हटाए लिखना है, ये भी देख लीजिए, ठीक है, हटा के लिखना है कि बिना हटाए लिखना है, तो इसको हम बिना हटाए लिखना है, इसमें हटाना नहीं है, केवल लास्ट में ए जोड़ना है, इसको हटाने की बात नहीं किया है, तो लास्ट में ए जोड़ दीजिए। अब ए कैसा होता है, ए यदि हम लास्ट में लगाएंगे तो हम इस प्रकार लगा सकते हैं, या फिर इसी को अगर मात्रा के रूप में लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, ठीक है, लास्ट में लगा लगाएंगे। अब लास्ट में कैसे लगाएंगे, ये मैंने बार बार बोलूँगा कि जब जब हमने वर्णमाला पढ़ाया है, तब बताया हूँ कि जो वर्ण होता है, जो स्वर है, वो कब अपने मूल रूप में आएगा और कब वो मात्रा के रूप में बदल जाएगा, ये वीडियो आप वहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर रात होगा तो रात का रातें लिखेंगे इस प्रकार, ठीक है, रातें, रात ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत है, आपको इस प्रकार लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रातें, रातें, पुस्तकें, पुस्तकें, मात्रा लगाना जरूरी है ना, आदतें, बोतलें, बोतलें, ठीक है, बातें, इसी प्रकार इसको देखिए, लताएं, अब यहाँ मात्रा नहीं लगेगी, है ना, जहाँ बड़े की मात्रा है वहाँ मात्रा नहीं लगेगी, तो यहाँ ऐसा लिखना है, लताएं, माताएं, ये शाखाएं, ये इस प्रकार, सभाएं, ये और कामनाएं, ये इस प्रकार आपको लिखना है। ये होगा इकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के साथ, ठीक है, ये ट्रिक आपको याद करते हुए चलना है। अगला है, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में या लगाकर, ठीक है, क्या बोल रहा है, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में या लगाकर, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में, देखिए एक छोटा ई है और बड़ा ई है ना, तो एक में या लगाना है छोटा में, और बड़ा में ई लगाना है, ठीक है, छोटा में या लगाना है, छोटा में, बड़े में
ई लगाना है, छड़िया लगाते थे। अकारांत, इकारांत स्त्री संज्ञा में या लगाकर, इकारांत स्त्री संज्ञा में ई को ई बनाकर या लगाते हैं। ठीक है, देखिए हमको यदि किसी संज्ञा में ई दिखे या फिर ई दिखे तो इसके लास्ट में हमको तो या लगाना ही है, लेकिन यदि ई जैसे मिल जाता है छोटा ई तो हमको तो यह लगाना ही है, लेकिन यदि बड़ा ई मिल गया, ये बड़ा ई मिल गया तो सबसे पहले इसको हमको छोटे ई में लगाना है, बदलना है, उसके बाद यहाँ पे हमको या की मात्रा लगानी है। ठीक है, फिर से समझिए, पहले यदि छोटा ई मिल गया तो हम इसके साथ या लगा देंगे, या लगा देंगे। यदि हमको बड़ा ई मिल गया लास्ट में तो सबसे पहले इसको छोटा ई बनाइए, उसके बाद यहाँ पर या की मात्रा लगाइए। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, छड़ी, तो यहाँ बड़ा ही दिख रहा है, इसको पहले छोटा बना लीजिए ऐसा, छड़ी, और यहाँ यहाँ लगा दीजिए छड़िया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ लगा दीजिए छड़िया, ये ऐसा। ठीक है, छड़िया, यहाँ पे और गाड़ियाँ, ये ऐसा गाड़ियाँ। रीतियाँ, ये रीतियाँ हो जाएगा। नारियाँ, नारियाँ। ठीक है, ये इसमें देखिए, नीति में, नीति में पहले छोटा है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस लास्ट में लगा देना है, ये नीतियाँ, लास्ट वाला ई देखना है ना, पहले वाला ई या फिर किसी बीच का भी ई नहीं देखना है, शब्द के लास्ट में ई जो है उसको देखना है। जैसे घड़ी, यहाँ बड़ा है तो घड़ी को पहले छोटा कर लीजिए डी को, ये हो गया घड़ियाँ। इस प्रकार नदी से हो जाएगा नदियाँ, ये लीजिए। इस प्रकार बच्ची से हो गया बच्चे, और जाति से यहाँ पर छोटा है तो ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा जातियाँ, ये इस प्रकार। ठीक है, ये रूल समझ आया, आगे समझते हैं। उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में यह लगाना है ना, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ए लगाकर तथा ऊ, उकारांत स्त्री लगे में ऊ को छोटा ऊ, सेम जैसे जैसे ई में किया था वैसे छोटा ऊ, जैसे उकारांत या उकारांत मिलता है तो हमको ए लगाना है, लेकिन जहाँ बड़ा ऊ का मात्रा मिले उसको पहले छोटा ऊ बनाना है, बड़ा ऊ का मात्रा जहाँ मिले उसको पहले छोटा ऊ बनाना है। जैसे ये वस्तु है तो ये वस्तुएं, ठीक है, ये वस्तुएं हैं। अब ये बहु को देखिए, इसमें बड़ा ऊ लगा है, इसमें पहले छोटा ऊ बना दिए, वास्तव में बाद में ए जोड़ दिए, बाद में इस ए को हमने जोड़ दिया। उसी प्रकार वधु से वधुए, गौ से गौवे। ठीक है, अब इसका छठवां रूल देखते हैं, क्या बोलता है, किसी या अंत वाला, ठीक है, किसी या अंत वाला, ऐसे इसको हाईलाइट कर लीजिए, किसी या अंत वाला स्त्रीलिंग संज्ञा में या के ऊपर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी या अंत वाले स्त्रीलिंग संज्ञा में के ऊपर हम केवल या के ऊपर चंद्र बिंदु का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें सब में या आखिरी है, इसमें या सब आखिरी है, तो इसके ऊपर बस या का मात्रा लगाना है, चंद्र बिंदु का लगाना है ना, चंद्र बिंदु। और चंद्र बिंदु कैसा होता है, एक चंदा और ऊपर बिंदु, ये। तो देखिए, चिड़िया, बुढ़िया से बुढ़िया, बिटिया से बिटिया, चूहिया से चूहिया, गुड़िया से गुड़िया, बिटिया से डिबिया, कुटिया से कुटिया, बिंदिया से बिंदिया। तो ये हो गया हमारे छह रूल जो हमारे निर्विभक्ति से बनाए जाते हैं। इसके बाद सब विभक्ति से कैसे बनाए जाएंगे, एक वचन से बहुवचन, हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, यदि हमारा, तो हमको जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।